नमस्कार। सरकार के 2 साल और छत्तीसगढ़ में किस तरह से उद्योग फलेगा फूलेगा, इस खास पेशकश के साथ मैं रश्क गौरी। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार को 2 साल पूरे हो गए और इन 2 सालों में सरकार ने औद्योगिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। सरकार की ओर से जो तमाम कदम उठाए गए हैं, आज हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि राज्य में आखिर कैसे आएगी औद्योगिक क्रांति, किस तरह से राज्य के लोगों को रोजगार मिलेगा और किस तरह से राज्य में उद्योग व्यापार फूलेगा फलेगा। साथ ही चर्चा करेंगे उस बस्तर के नगर नार पर, जहां पर भूपेश सरकार की नीति पर क्या कुछ खास रहा है, चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। नगर नार इस्पात संयंत्र जिला बस्तर का केंद्र सरकार द्वारा विनिवेश न किया जाए, विनिवेश होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन इसे खरीदने के सहमत। जी हां, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये बात विधानसभा में सदन में कही। उन्होंने ये साफ कह दिया है कि नगर नार का निजीकरण नहीं होने दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अब छत्तीसगढ़ियों के साथ न छल होगा न धोखा। राज्य में लगने वाले उद्योगों पर पहला हक स्थानीय लोगों का है। बस्तर के लोगों को अगर रोजगार न मिले तो फिर वहाँ उद्योग लगाने का क्या फायदा। सरकार ने नगर नार के निजीकरण के खिलाफ शासकीय संकल्प लाकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि राज्य के हितों से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार नगर नार का प्लांट चलाएगी। आइए इस मसले पर सीएम ने क्या कहा आपको सुनाते हैं। नगर नार इस्पात संयंत्र जिला बस्तर का केंद्र सरकार द्वारा विनिवेश न किया जाए, विनिवेश होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन इसे खरीदने के सहमत है। इस प्रकार से प्रस्ताव पूरे सर्वसम्मति से विधानसभा में पारित हुआ है और मैं समझता हूँ ये छत्तीसगढ़ के विधानसभा के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना है। वैसे बात सिर्फ नगर नार की ही नहीं, छत्तीसगढ़ सरकार स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले इसके लिए नई औद्योगिक नीति लेकर भी आई है। इस नीति में सरकार उद्योगपतियों को ढेरों सुविधाएं दे रही है, लेकिन शर्त है कि उद्योगपति स्थानीय लोगों को ही रोजगार देंगे। इस दिशा में 103 MOU उद्योगपतियों से सरकार कर चुकी है। इसके तहत राज्य में 42,000 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। सरकार का दावा है कि अगर निवेश हुआ तो 62,000 स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। भूपेश सरकार के कुछ महत्वपूर्ण कार्य। प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया। औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन के लिए भू प्रव्याजी में 30% की कमी की गई, भू भाटक में 1% की कमी की गई। औद्योगिक क्षेत्रों में 10 एकड़ तक आवंटित भूमि को लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने के लिए बनाए गए हैं नए नियम। औद्योगिक भूमि पर भवन प्रबंधन नियमों का सरलीकरण किया गया। इन सेक्टरों में है निवेश प्रस्ताव। स्टील सेक्टर में 80 MOU 37,022.22 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश प्रस्ताव। सीमेंट सेक्टर में 1 MOU 2,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश प्रस्ताव है। एथेनॉल सेक्टर में 7 MOU 1,082.82 करोड़ का पूंजी निवेश होगा। फूड सेक्टर में 5 MOU 283.61 करोड़ निवेश प्रस्ताव है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में 3 MOU 56.41 करोड़ रुपए प्रस्ताव है। डिफेंस सेक्टर में 3 MOU 529.50 करोड़ रुपए प्रस्ताव है। अन्य सेक्टरों में 4 MOU 1,179.99 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश प्रस्ताव है। कह सकते हैं कि सरकार जिस औद्योगिक वातावरण को राज्य में तैयार करना चाहती है उसमें कृषि और वनोपज से जुड़े औद्योगिक प्राथमिकता में है, साथ ही स्टील उद्योग भी है। सरकार की कोशिश यही है कि राज्य में जो भी निवेश हो उसमें स्थानीय लोगों की ज्यादा भागीदारी हो। ऐसा हुआ तो यह छत्तीसगढ़ में एक बड़ी औद्योगिक क्रांति होगी। वैभव शिवपांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। और इसी बेहद ही खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक बेहद ही खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया। आइए तारुफ आपका करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रायपुर स्टूडियो में जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार कृष्णा दास साहब। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। और सहयोगी वैभव शिवपांडे हमारे साथ जुड़ गए। वैभव, आपका भी बहुत स्वागत है।
सबसे पहले तो दास साहब आप ही के ही पास आऊंगे, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ की जो छत्तीसगढ़ के सिलाड़ियों को बहुत अच्छे से भली भांति जानते हैं कि किस तरह से छत्तीसगढ़ अलग होता है, किस तरह से विकास होता है, 15 साल में किस तरह से विकास हुआ, और अब खासतौर से हम 2 साल की बात कर रहे हैं तो हमने ये 2 साल भी देखा है। मैं जानना चाहूंगी आपसे कि अमूमन तो अभी देश में जो सिचुएशन चल रही है, जो स्थिति है, वो ये है कि हर चीज का निजीकरण हो रहा है, लेकिन प्रदेश में ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि निजीकरण पर जोर ना देने की बात आ रही है कि नहीं, हमें अपने लेवल पे ही चीजों को सशक्त करना है, सरकार के पास ही ये संयंत्र रहना चाहिए। इसको किस तरह से देखते हैं आप? वायबल डिसीजन मुझे नहीं लगता है समय जो सरकार भी इस बारे में चिंतन कर रही है, क्योंकि इसके 2 कारण है कि देखिए कोई भी सरकार जो है वो स्टील प्लांट नहीं चलाती, और अगर छत्तीसगढ़ समझ लीजिए ये प्रपोजल अगर मटेरियलाइज होता है और अगर ये शेप लेता है जो सरकार की जो एक मंशा है, तो मुझे लगता है कि संभवतः देश का छत्तीसगढ़ पहला राज्य होगा जो स्टील प्लांट चलाएगा। तो आपके पास में देखिए एक विकल्प ये है कि आप स्टील प्लांट अच्छा चलाना क्यों चाहते हैं, क्योंकि आपके जो पावर सेक्टर में आपके इन्वेस्टमेंट रहते हैं, आपके जो पावर कंपनीज हैं उनकी क्या स्थिति है वो लोग भली भांति जानते हैं। यहाँ जो मड़वा पावर प्लांट लगा हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से एक पावर प्रोजेक्ट लगा हुआ था, उसमें सिर्फ अभी आधा कैपेसिटी में वो प्लांट चल रहा है। तो आप देखिए कि सरकार का बहुत इफेक्टिव मोड नहीं है, जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन सरकार जो करती है या सरकार जो इंडस्ट्री चलाने की कोशिश करती है, तो वो मुझे नहीं लगता कि बहुत इफेक्टिवली सरकार वो चला पाती है। और दूसरा जो सबसे बड़ा इशू ये आएगा कि आपकी फंडिंग कहाँ से होगी। आप देखिए ये जो नगरनार प्लांट जिसपे सीएम साहब जो बात कर रहे हैं वो किस मॉडल पे रहेगा, उसका क्या एक्शन प्लान है, ये अभी तक उनने इस चीज को नहीं बताया है। हो सकता है सरकार इस बारे में चिंतन कर रही है और ये बात जब सामने आएगी तो बहुत चीजें स्पष्ट होगी, लेकिन जो प्राइमा फेसिया जो हमको जो दिख रहा है कि जो फंडिंग जो है सबसे बड़ा इशू रहता है, उस नगरनार जो स्टील प्लांट है उसका बेस प्राइस जो है वो आएगा 23। लेकिन दास साहब मैं आपसे ये भी समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसी आखिर क्या वजह होती आती है सरकार के सामने कि वो अचानक से ये फैसला लेती है कि इस संयंत्र को हम ही चलाएंगे, हम इसका निजीकरण नहीं होने देंगे, और मतलब केंद्र सरकार से भी जो वार्तालाप है वो भी लगातार जारी है, तो क्या लगता है इस बीच में क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं? नहीं देखिए, निजीकरण का जो इश्यू है वो एक पॉलिटिकल मुद्दा हो सकता है कि केंद्र सरकार उस चीज को डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है और हम उसका विरोध कर रहे हैं, और वो एक सम एक्सटेंट वो सही भी है, क्योंकि आप इस चीज का क्लेम कर सकते हैं कि जमीन हमने दी थी, पानी हमारे प्रोसेस से जाएंगे, तो आप उस चीज को आप एक दावा कर सकते हो कि प्लांट में हमारा अधिकार है, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि वो प्लांट आप चलाना चाहते हैं तो आपके लिए वो वायबल है कि नहीं। देखिए कोई भी इंडस्ट्री है या इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसका सबसे बड़ा जो कोर इशू रहता है कि वो आपके लिए कितने फायदेमंद है। आप किसी भी बिजनेस में जाते हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद है कि नहीं, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल वाकई में। और क्या आप एक ये रीजन समझ रहे हैं कि क्या आप इस बात से इतने फाक रखते हैं कि क्योंकि बस्तर के बेला डीला की जो खदानें हैं वहां पे सबसे ज्यादा आयरन भी पाया जाता है, और हो सकता है एक ये भी एक रीजन रहे सरकार के पास? नहीं मैडम, देखिए जो आपने जो सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी रेस किया है, वहाँ एक डिपॉजिट 13 है बेलाडीला, जो डिपॉजिट 13 है वहाँ छत्तीसगढ़ सरकार ने NMDC के साथ में, मतलब स्टेट ओन कंपनी है छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसने एक ज्वाइंट वेंचर बनाया था NMDC के साथ में 2008 में। 2015 में इस ज्वाइंट वेंचर को वहां का क्लियरेंस मिला, एनवायरमेंट क्लियरेंस, उसके बाद में इनको वहां पर माइनिंग एक्टिविटीज चालू करनी थी, वो अभी तक वहां पर माइनिंग एक्टिविटीज चालू नहीं हो पाई है, और पिछले साल जो है वहां आंदोलन हो गया, उसके कारण वो माइंस भी कैंसिल करने की स्थिति में सरकार आ गई थी। सबसे बड़ा इशू ये है कि आप जब वहां पर आयरन ओर नहीं निकाल सकते तो आप किस तरीके से स्टील प्लांट लगाने की सोच रहे हैं। ये बहुत छोटे छोटे माइक्रो लेवल की चीजें हैं जिसको सरकार को पहले एड्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद सरकार भी लंबे प्लान पे जाए। बिल्कुल वाकई में। वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, हम 2 साल में देख रहे हैं कि न केवल शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ने ध्यान दिया है बल्कि फोकस सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी है। हम लगातार चर्चा भी इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि इन 2 साल में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नए आयाम को छुआ है, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहते हैं। बिल्कुल रस्क, और जिस ओर इशारा कर रहे हैं हमारे पत्रकार कृष्णदास भी महत्वपूर्ण है। सरकार के पास अधोसंरचना की क्या व्यवस्था है, फंडिंग की क्या व्यवस्था है,
तो एक सवाल हो सकता है निश्चित तौर पर, लेकिन जब आपके स्थानीय हकों की बात आती है तब आपको एक जरूरी चीज हो जाती है कि आपको एक साहसिक निर्णय दिखाए। तो मुझे लगता है कि अगर निजीकरण का विरोध करने का एक तरीका है, और उस तरीके में ये भी बात है कि नहीं भाई, हम तो विनिवेश नहीं होने देंगे और अगर जरूरत पड़ी तो छत्तीसगढ़ सरकार जो है उस प्लांट को चलाएगी, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है कदम है। और इस कदम में हमने देखा कि छत्तीसगढ़ जो सरकार है उसको विपक्ष का भी समर्थन मिला, और सदन में ये शासकीय संकल्प जो है नगरनार को लेकर के निजीकरण के विरोध में जो शासकीय संकल्प लाया गया वो सर्वसम्मति से पारित हुआ, यानी कि उसमें विपक्ष का भी समर्थन रहा है। तो बस्तर में जो स्थितियां और परिस्थितियां रही है बीते सालों में, हालात जिस तरह से बने और वहां पे जिस तरीके से स्थानीय लोग जो है वो बाहर गए, पलायन हुआ, रोजगार उनको नहीं नसीब हुआ, तो ऐसे में जब कोई प्लांट वहां पे निर्मित होता है और उसमें एक हजारों करोड़ रुपए का निवेश हो जाता है और उसे निजी हाथों में देने की बात आने लगती है, तो ये नहीं होना चाहिए। और इसी का विरोध छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से किया जा रहा है। उनका कहना है कि अगर निजीकरण हुआ तो स्थानीय लोगों का जो है हक है वो मारा जाएगा, क्योंकि वहां पे बहुत सारे जो स्थानीय आदिवासी हैं उनकी जमीनें ली गई, अधिग्रहण उनका किया गया, उसके बाद ये प्लांट तैयार हुआ है। तो ऐसे में जिन लोगों ने अपनी जमीनें दी है, जिन लोगों का अपना सब कुछ चला गया है और उनको ही वहां पे रोजगार नसीब ना हो, उनकी उनके भविष्य को लेकर चिंता हो, तो निश्चित तौर पर बिल्कुल वाकई में निश्चित तौर पर कई ऐसे सवाल खड़े हो जाते हैं। और क्योंकि स्थानीय लोगों को रोजगार देना पहली प्राथमिकता है, और इसको किस तरह से कंटिन्यू किया जाता है, इसको कैसे बढ़ाया जाएगा, ये भी एक देखने वाली बात रहेगी। दास साहब, मैं आपसे ये भी समझने की कोशिश करूंगी कि जिस तरह से ये जो फैसला लिया गया, आप भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बहुत मुश्किल है कि कोई भी सरकार किसी संयंत्र को चला सके, क्योंकि कहाँ से किन किन चीजों को उपलब्ध कराना होगा, ये एक बेहद ही टेढ़ी खीर भी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर इस तरह के अगर सरकार सोच रही है कि इसका प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, विनिवेश नहीं होना चाहिए, तो ये जो फैसला लिया गया है, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि बिना स्टडी के इसकी घोषणा कर दी गई है, जो अधिकारी हैं उनको और बेहतर तरीके से स्टडी करनी चाहिए थी, बिना स्टडी के ही उन्होंने इन तमाम चीजों को सामने रख दिया? नहीं मैडम, देखिए उसमें कुछ स्टडीज तो ये अपने लेवल पे किए होंगे, ये फॉर श्योर है। उसमें हम किस मंशा से कर रहे हैं ये क्या है, लेकिन आप एक बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा कि इमोशन से कभी बिजनेस नहीं चलते। और अगर जब आप बिजनेस मॉडल के बारे में सोचते हैं तो वो आपके इमोशंस वहां पर काम नहीं आते, आपको वो बिजनेस को बिजनेस मॉडल के रूप में देखना पड़ेगा। जो हम कोर इशू पे जो आ रहे हैं, क्योंकि देखिए जैसे 23,000 करोड़ का ये बेस प्राइस है, यहाँ से होली लगनी चालू होगी। आप जब बिड करेंगे, जो हम छोटे छोटे लेवल पे, जो मैंने आपसे कहा कि माइक्रो लेवल की जो चीजें हैं उसको हम मिस नहीं कर सकते इस पूरे डील में, तो आप जब 23,000 करोड़ आपका जो बेस प्राइस है वहां से आपको बोली लगानी है, तो कहां तक जाएगा कि किसी को नहीं मालूम। क्योंकि आप जब बिडिंग होंगी तो उसमें प्राइवेट सेक्टर के भी लोग आएंगे, वो भी एप्लीकेंट होंगे, वो भी दावेदार होंगे, तो आपकी जब बिडिंग होगी तो वो कहां तक जाएगी वो हमको नहीं मालूम। अब आप चाहे छत्तीसगढ़ सरकार इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 25,000-26,000 करोड़ रुपए लगाने की स्थिति में है, और अगर वो 26,000 करोड़ अगर राज्य का पैसा लगता है तो क्या वहां से आपको रिटर्न कब तक आएंगे, ये सब जो बिजनेस मॉडल है आपको उसमें चर्चा करनी पड़ेगी। तो जो छत्तीसगढ़ की अस्मिता की बात है, उसको मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि वो इस दृष्टि से सोचते हैं और उन सब चीज को तारीफ करनी चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इमोशन से बिजनेस नहीं चलते, और अगर आप बिजनेस के मॉडल पे अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो आपको ये सब चीजें भी एड्रेस करनी पड़ेगी, आपको हाँ। सोचना पड़ेगा कि हम इसको कैसे चलाएं। क्योंकि दास साहब, यहाँ पे देखा जाए तो छत्तीसगढ़ सरकार तो वैसे भी कर्ज लेके ही चल रही है और पहले से ही वो कर्जे में है, तो अगर वो इसमें अगर शामिल होती है और बोली लगाती है तो फिर मतलब सरकार के पास वो कौन सा ऐसा रोड मैप है कि अगर वो इस बोली को लगाती है और संयंत्र को लेती है तमाम चीजें, तो वो मतलब जो पैसे हैं वो मद है वो कहाँ से आएगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार तो ऑलरेडी कर्जे में चल रही है। नहीं देखिए, आपके पास में स्टेट एक्सटेकर के पैसे आप निकाल के उसमें डालेंगे तो वो भी कोई बहुत अच्छी इकोनॉमिक्स नहीं है। आप अगर राज्य का पैसा 23,000-25,000 करोड़ रुपए आप एक स्टील प्लांट पे लगाएंगे तो ये कहीं पर भी बहुत सही निर्णय नहीं होगा। दूसरा, जैसे आपने पूछा मैम कि हमारे पास ऑप्शन और क्या अवेलेबल हो सकते हैं, इसके अलावा एक विकल्प ये हो सकता है कि आप ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनाइए। लेकिन
वेंचर कंपनी आप बनाएंगे तो वो किसी ना किसी प्राइवेट सेक्टर के साथ में ही आप जॉइंट वेंचर बना सकते हैं। आप समझ लीजिए किसी एक प्राइवेट कंपनी को आप अपने साथ जोड़ते हैं, और क्योंकि इन्वेस्टमेंट उसकी तरफ से होगा, पूंजी वो लगाएगा, तो उसमें आपका ये जो कॉन्सेप्ट है निजीकरण का हम विरोध करते हैं वो कहीं से भी फुलफिल नहीं होता, वो आपका एक विरोधाभास की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो इसलिए जो है मैं जो बार बार इस चीज पे जिक्र कर रहा हूँ कि सरकार इस चीज को बताए लोगों को कि वो किस मॉडल पे काम करना चाहती है, क्या वो राज्य के पैसे लगाएंगे, आप क्या बाहर से फंडिंग कैसे करेंगे, आपको कौन फंडिंग करेगा, और वो किस इंटरेस्ट किस रेट ऑफ इंटरेस्ट में आप पैसे लेंगे मार्केट से। तो ये सब चीजें थोड़ी बहुत जब चीजें क्लियर हो जाएंगी, सरकार इस चीज को स्पष्ट कर देंगी, तब तो हमें समझ में आएगा कि ये वास्तव में किस मॉडल पे सरकार सोच रही है। बिल्कुल वैभव, वाकई में जिस तरह से दास साहब कह रहे हैं कि सरकार किस मॉडल पे सोच रही है, किस तरह से विचार कर रही है, उसको किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि यहाँ पे 1 करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़, 300 करोड़ की बात नहीं है, 23,000 करोड़ की बात है, कहाँ से ये मद आएगी? देखिए ये सवाल उठना लाजमी है, लेकिन इस सवाल का जवाब तो जाहिर तौर पर सरकार ही दे सकती है, और सरकार के प्रतिनिधि हमारे साथ आज मौजूद रहने वाले थे, उद्योग मंत्री कौशिक लखमा इसका बेहतर जवाब देते, लेकिन उन्हें अचानक मुख्यमंत्री निवास जाना पड़ा क्योंकि वहां पे एक एमओयू हुआ है। देखिए आज ही जो है स्थानीय एक उद्योगपति है, उनके साथ 4 MOU हुए हैं मुख्यमंत्री निवास में, और उसमें वनोपज आधारित जो है उद्योग लगाने का जिक्र हुआ है, तो एक बड़ी बड़ी बात है। अभी कुछ समय में शायद हमारे साथ कांग्रेस के जो अर्थशास्त्री नेता है, जो अर्थशास्त्र को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, रमेश कल्याणी, और वो जुड़ जाएंगे तो उनसे इस चीज को समझेंगे। लेकिन रस्क, आप इस बात से कतई जो है इनकार नहीं कर सकते कि यही सवाल जब तब भी उठ रहे थे जब किसानों को 2500 रुपए देने की बात आ रही थी, ठीक, और उसके बावजूद सरकार ने तय किया कर्ज माफी की बात है। लौटूंगी, मैं ये कह रहा हूँ, जी जी जी, बहुत संक्षेप में मैं चाह रही थी कि क्योंकि रमेश वालियानी जी हमारे साथ डिबेट में, उन्होंने हमको ज्वाइन कर लिया, तो मैं चाह रही थी कि मैं उनसे भी सवाल कर लेती हूँ कि आखिर सरकार के पास वो कौन सा दूसरा ऐसा स्टेप है, दरवाजा है, जहाँ से एकदम से खजाना खुल जाएगा। और ये जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि औद्योगिक ढांचे को आखिर कैसे और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। रमेश वालियानी जी, बहुत स्वागत है आपका खास कार्यक्रम में। वालियानी जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, बिल्कुल सुन रहा हूँ। रमेश जी, बहुत स्वागत है, और 2 साल सरकार के पूरे हो गए हैं, इसके लिए ढेर सारी बधाई। और क्योंकि एक संवेदनशील सरकार है, संवेदनशील सरकार के द्वारा हमेशा ही संवेदनशील फैसले लिए जा रहे हैं, जिसका रिजल्ट हम देख रहे हैं कि जो दूरस्थ क्षेत्रों में जो बैठा हुआ आखिरी छोर पे जो इंसान बैठा हुआ, उसको भी उसका फायदा मिल रहा है। और छत्तीसगढ़िया सरकार है, 36 गलियों के बारे में सोच रही है, इसको लेके भी लोग बेहद खुश हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम जिस औद्योगिक ढांचे को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास पैसा कहां से आएगा? देखिए, हम लोग जो औद्योगिक ढांचे को मजबूत करना चाह रहे हैं, उसमें 2 तरह की हमारी औद्योग नीति है। एक तो बड़े उद्योगों के लिए जो कोर उद्योग थे, और कोर इंडस्ट्रीज को डॉक्टर रमन सिंह जी ने, जबकि छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संसाधन बहुत हैं, यहाँ लोहा, कोयला, बॉक्साइड, लाइम स्टोन सब है। इसमें जब हम उद्योगपतियों से हम लोगों ने बात की है, तो कोर सेक्टर में बहुत सारे उद्योगपति निवेश करना चाहते हैं। हमारी जो औद्योगिक नीति है वो उद्योगों को बढ़ावा देने वाली नीति है, और पिछड़े क्षेत्रों में जो उद्योग लगाएंगे भी तो उनको स्पेशल सब्सिडी की योजना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने रखी है। बहुत ही आकर्षक औद्योगिक नीति है हमारी, तो उसके लिए पैसा कोई सरकार को नहीं देना पड़ेगा। जो उद्योगपति लगाना चाहते हैं उनको सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से सारी सुविधाएं दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी, टैक्स कंसेशन दिए जाएंगे, और पूंजी का विनियोग उनके माध्यम से होगा। ठीक। इसके अलावा हम लोग चाह रहे हैं कि ग्रामीण अंचल में छोटे छोटे उद्योग भी लगे, और लघु वनोपज आधारित उद्योग लगेंगे, ताकि लघु वनोपज का वैल्यू एडिशन के रूप में भी हमको आदिवासियों को फायदा हो। बिल्कुल, बाकी मैं आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं जी, बिल्कुल।
आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं हमारे दर्शकों को। मैं बात यहाँ पे नजरदार जो इस्पात संयंत्र के निजीकरण के खिलाफ राज्य सरकार विधानसभा में शासकीय संकल्प लेकर आई और जिसे विनिवेश की स्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार नगरनार इस्पात संयंत्र खरीदेगी। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ था कि इसको लेके सरकार के पास कहां से मद आएगी, क्योंकि इसके निजीकरण के खिलाफ तो सरकार है और इसी के निजीकरण के खिलाफ राज्य सरकार विधानसभा में शासकीय संकल्प लेकर आई है। देखिए, विधानसभा में शासकीय संकल्प लाने के पीछे हमारा उद्देश्य ये था कि जो नगरनार स्टील प्लांट है ये NMDC जो पब्लिक सेक्टर का नवरत्न कंपनी है ये उसकी योजना है और NMDC अपने इसको लगाने जा रही है और आदिवासी अंचल में आदिवासियों ने जमीन भूमि इसीलिए दी थी कि आदिवासियों को रोजगार मिलेगा, एक सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी कंपनी आएगी। लेकिन यह बड़ा दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार इसका विनिवेश की योजना बना रही है जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो हम तो चाहेंगे कि NMDC ही इसको लगाए, इसको निजी क्षेत्रों में जाने से रोकेंगे हम लोग, क्यों जब पब्लिक का पैसा लगा हुआ है और प्रॉफिट में है उसको निजी क्षेत्र में देने का औचित्य नहीं है। और सबसे अच्छा लोहा हिंदुस्तान में यदि कहीं है तो वो बस्तर का बेलाडीला का लोहा है जी। और इसीलिए इस लोहे पर हिंदुस्तान के कुछ बड़े उद्योग घरानों का इसमें नजर लगी हुई थी। तो हम सरकार से चाहेंगे, केंद्र सरकार से, बड़े घरानों का नाम भी ले लेते, साजिक उपक्रम, अंबानी अदानी दो ही तो हैं हिंदुस्तान में, और कौन है, दो ही है जी। ये केंद्र सरकार पूरा समर्पित दो ही उद्योग घरानों के ऊपर है। आखिर किसान आंदोलन क्यों चल रहा है कि कारपोरेट सेक्टर को आप एग्रीकल्चर का भी में भी घुसाना चाहते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है। ठीक, जब वो परिस्थिति आएगी तो राज्य सरकार अपने संसाधनों के माध्यम से पूंजी की व्यवस्था करेगी और खरीदेंगे हम लोग। और मुझे खुशी है कि शासकीय संकल्प को प्रतिपक्ष ने भी समर्थन दिया है, तो मोदी जी को संदेश चले गया है कि इस मामले में हाथ न डाले, ये आदिवासियों का मामला है, आदिवासियों के अनुसूचित क्षेत्र है और पांचवी अनुसूची के मामले को देखते हुए केंद्र सरकार को अपनी इस पल से विड्रा होना चाहिए जी। बिल्कुल, जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया है कि जो औद्योगिक क्षेत्र को किस तरह से इस औद्योगिक ढांचे को मजबूत करना है, आपने इस बात का जिक्र किया, शहरी के साथ साथ ग्रामीण औद्योगिक ढांचे को हम किस तरह से मजबूत करेंगे उसके बारे में भी आप बताइए। आखिर सरकार के पास वो कौन कौन सी योजना है, क्योंकि दो साल में हमने देखा है कि नरवा गरवा घुरुवा तमाम बाड़ी, ये हमने इन तमाम चीजों के रिजल्ट भी देखे हैं, कहीं बहुत सारी जगहों पर पॉजिटिव रिजल्ट भी आए, कहीं कहीं थोड़े से नकारात्मक भी कुछ पहलू हमने देखे, लेकिन और बेहतर हम कैसे करेंगे और क्या ऐसी योजना है सरकार के पास ग्रामीण क्षेत्रों के लिए? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को हम लोग बढ़ावा देने जा रहे हैं ताकि गांव का नौजवान को गांव में ही रोजगार मिल जाए। ये जो गोबर खरीदी की योजना है ये कोई साधारण योजना नहीं है, ये गोबर के माध्यम से जैविक खाद तैयार होगी, कंपोस्ट तैयार होगा, 2 रुपए में किलो में गोबर खरीद रहे हैं और 10 रुपया किलो में खाद बेचने का काम हो रहा है, यानी एक बहुत ही है। और जैविक खेती के माध्यम से छत्तीसगढ़ के जो किसानों की भूमि है उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। ठीक है, आप इसके अलावा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में हम चाह रहे हैं, जैसे आपको बताया कि उसमें हम लोगों ने मछली पालन को भी एग्रीकल्चर में समेट लिया है, हमने कुक्कुट पालन, मछली पालन, डेयरी, ये ग्रामीण अंचल के लिए एक नया क्षेत्र खोल रहे हैं, इसकी बड़ी डिमांड है। इसमें कम से कम पूंजी में बड़ा रोजगार, अच्छा रोजगार वाला व्यवसाय हो सकता है।
रमेश जी, कल भी हम चर्चा कर रहे थे और कल मेरे साथ दो ऐसी महिलाएं जुड़ी हुई थी जिन्होंने अपनी तमाम दिक्कतों को बताया था। पद्म विभूषण है, उन्होंने ये बताया था कि जिस तरह से सरकार ट्रेनिंग दे देती है, हम लोग भी मतलब स्व सहायता समूह के जरिए ट्रेनिंग दे देते हैं और जब हमें अपना व्यापार या स्वरोजगार शुरू करना रहता है तो उस वक्त हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत आसानी से लोन नहीं मिल पाता है। उनका कहना यह है कि अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी गई है, अगर उनकी पूरी 4 से 6 महीने की ट्रेनिंग हो गई है तो उनको 8 से 10 दिन में कम से कम लोन मिल जाना चाहिए जिसके चलते वो अपना स्वरोजगार शुरू कर सके, संचालित कर सके। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में अब सरकार इस दिशा में और क्या कदम उठाने वाली है, कैसे उनको सशक्त करेगी? क्योंकि आप ट्रेनिंग दे देंगे, ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो उसके किस तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उस पर भी तो नजर रखनी होगी ना सर। नहीं, निश्चित रूप से आपकी ये बात सही है कि जितने भी स्व सहायता समूह है महिलाओं के, उनके फाइनेंस की व्यवस्था होनी चाहिए और राज्य सरकार उनकी फाइनेंस की व्यवस्था कर रही है। हमारे यहाँ ग्रामोद्योग का अलग से संगठन है जिसके अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी जी हैं, वो पूरी तरह पहल कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे सहायता समूह को यदि कोई दिक्कत आती है तो वो ग्रामीण उद्योग में यहाँ पर जो ऑफिस है वहां संपर्क कर ले, उनकी जो फाइनेंस की कठिनाई है उसको दूर कर लिया जाएगा और बैंक के अधिकारियों को बुलाकर भी बात कर ली जाएगी, क्योंकि इनके लोन बहुत छोटे छोटे लोन होते हैं, इनको क्यों नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल दबाव डाल के दिलवाएंगे इनको। क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्र के औद्योगिक ढांचे को सशक्त और मजबूत करने की बात कर रहे हैं तो मुझे लगा कि क्योंकि कल भी हम ये कोशिश कर रहे थे कि आप लोगों की तरफ से कोई जोड़े उसको भी इस बारे में जानकारी होना चाहिए, इसलिए मैंने इस सवाल को आपसे किया। और मैं चाह भी रही थी कि वो तमाम महिलाएं, वो तमाम पुरुष जो आपको इस वक्त स्वराज एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उन तक आप ये संदेश भी पहुंचाएं कि भाई अगर सरकार कह रही है तो वो कर रही है और अगर अभी नहीं कर पा रही है तो वो आगे किस तरह से करेगी। आपको एक चीज और जानकारी दे दूं मैं आपको कि हमारी जो योजना है, जैसे बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म है, अब ये स्कूल यूनिफॉर्म भी हम महिला सहायता समूह के माध्यम से ही बनवा रहे हैं और इसको सेंट्रलाइज भी किया है, हर जिले के महिला सहायता समूह को काम दे रहे हैं ताकि हर जिले की महिलाओं को काम मिले। और सबसे बड़ा उद्योग नीति का एक बात बता दूं आपको कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने घोषणा की है कि छत्तीसगढ़ के शासकीय विभागों में जिन सामानों की भी खरीद होती है उन सामानों की अनिवार्य रूप से खरीदी छत्तीसगढ़ के लघु उद्योगों को, लघु और छत्तीसगढ़ में जो कारखाने हैं उसमें यदि वो बनते हैं तो उनसे खरीदना पड़ेगा, बाहर से नहीं खरीद सकते। ठीक है, ठीक। तो इससे छत्तीसगढ़ में जो उद्योग लगाए हैं उनके लिए मार्केटिंग का प्रॉब्लम भी रहेगा और छत्तीसगढ़ की पूंजी छत्तीसगढ़ में रहेगी और यहाँ के विकास में काम आएगी। ठीक, ये बहुत ही ऐतिहासिक योजना है। ठीक, लेकिन ऐतिहासिक योजना तो है लेकिन इसका लाभ वाकई में उन तमाम लोगों को मिल पा रहा है? क्योंकि सरकार योजनाएं बहुत सारी बना देती है लेकिन जब इसको जमीनी धरातल पर उतारने की जब घड़ी आती है तब हम देखते हैं कि ज्यादातर कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। वो कथनी और करनी में अंतर ना हो उसको लेके सरकार किस तरह से मॉनिटरिंग करेगी? रमेश जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आपको मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ को ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जिनकी बोली और कर्म में, कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, जो कहा सो करके दिखाया। उन्होंने कहा था कि जैसे ही मुख्यमंत्री बने किसानों का कर्जा माफ किया, पर हाँ सबसे बड़ी छत्तीसगढ़ या 2500 रुपया किसानों से हम धान खरीदेंगे, खरीद के दिखाया। केंद्र सरकार ने अड़ंगा लगाया, कहा आप बोनस ही दे सकते हैं। ठीक है, तो भूपेश बघेल जी ने रास्ता निकाला कि हम समर्थन मूल्य पे धान खरीदेंगे और बाकी डिफरेंस का पैसा राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से देंगे। ठीक, और दे रहे हैं उसको, हम चौथी किस्त अभी 15 मार्च को दी जाएगी। उसी तरह इंडस्ट्रीज के भी मामले में जो नीति बनी है तो सरकारी विभाग के अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि वो सारी खरीदे छत्तीसगढ़ के उद्योगों से लेनी पड़ेगी और इसकी मॉनिटरिंग स्वयं मुख्यमंत्री करेंगे। ठीक,
ठीक है रमेश जी, जो थोड़ी बहुत अनियमितताएं धान खरीदी में भी हमें देखने को मिल रही है, कहीं कहीं धान का उठाव नहीं हो पा रहा है, कुछ लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, उस तरफ भी थोड़ी सी एक फौरी नजर दौड़ा दीजिएगा ताकि किसान जिस तरह से और आम जनता जिस तरह से विश्वास कर रही है उनका विश्वास बना रहे। कृष्णा जी कितना इत्तेफाक रखते हैं क्योंकि सरकार से जुड़े हुए हैं और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं तो जाहिर सी बात है सरकार की तमाम जो योजनाएं संचालित की जा रही है वो इनकी नजर में तो अच्छी ही होंगी, लेकिन आप इनकी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं देखिए पहला विरोधाभास तो इसी बात का है जो निजीकरण को लेकर, आप नगरनार प्लांट को सिर्फ इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं कि वो निजीकरण नहीं होना चाहिए, कोई प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री वहां पर आ जाएगी तो आप बाकी को यूज क्यों कर रहे हैं? तो ये एक सबसे बड़ा विरोधाभास है कि आप स्वयं अभी स्वीकार कर रहे हैं कि हम एमओयू कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री को बुलाएंगे और खासकर कोर सेक्टर की। अभी सीएम हाउस में एमओयू भी हुए हैं, मेरे सहयोगी वैभव भी इस बात की जानकारी दे रहे थे। तो वो क्यों कर रहे हैं फिर? आपको तुरंत ही एमओयू पे बैन लगा देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप प्राइवेट सेक्टर को आप विरोध कर रहे हैं तो ये आपके ये पॉलिसी क्यों है? आप ये रमेश जी जल्दी से जवाब दीजिए। जी जी देखिए ऐसा नहीं है, एक पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी लाभ में है उसको डिस्टर्ब करने का क्या औचित्य है? वहाँ के आदिवासियों ने जमीन नगरनार संयंत्र के लिए एनएमडीसी को दी है, तो एनएमडीसी का जो काम हो रहा है उसको क्यों अपन दूसरों को हाथ में दे? और जो एमओयू कर रहे हैं वो छोटे छोटे उद्योगों के लिए कर रहे हैं, और नगरनार संयंत्र एक बहुत बड़ा उद्योग है और सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर की अच्छी कंपनी के माध्यम से है, तो उसका लाभ वहाँ के आदिवासियों को मिले इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं, तो उसको आप इस तरह न जोड़े। विरोध सिर्फ इसलिए तो नहीं क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार का ये फैसला है, क्योंकि केंद्र में दूसरे दल की सरकार है इसलिए जो विरोध है वो विरोध करना लाजमी हो जाता है, इसलिए तो नहीं रमेश जी? नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दूं हिंदुस्तान में एलआईसी है, पेट्रोलियम कंपनियां हैं, एनएमडीसी है, ये हिंदुस्तान की नवरत्न कंपनियां हैं जो सरकार को भारी राजस्व देती है। ठीक, अकेले एनएमडीसी और नगरनार संयंत्र से 14 से 15 हजार करोड़ का राजस्व राज्य को मिलेगा, ठीक, और वो लाभ आदिवासियों को मिलेगा, तो वो लाभ से हम क्यों वंचित होना चाहेंगे? वक्त का अभाव है, निजी उद्योगपति को देंगे तो निजी उद्योगपति का फायदा जाएगा। बिल्कुल वक्त का अभाव है इसलिए चर्चा को यही विराम देना होगा। बहुत संक्षेप में वैभव आप अपनी बात रखिए, बहुत संक्षेप में। देखिए मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने एक साहसिक निर्णय लिया है और इस निर्णय के परिणाम क्या होंगे इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, लेकिन अगर ये निर्णय लिया गया है तो निश्चित तौर पे ये बस्तर के हित में है, बस्तर के आदिवासियों के हित में है, क्योंकि निजीकरण से जो है किसी को फायदा स्थानीय स्तर पर नहीं हो सकता है, और इसी के विरोध में जो है भूपेश सरकार ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो छत्तीसगढ़ सरकार जो है नगरनार के प्लांट को चलाएगी, और मुझे लगता है कि 2 साल में अगर जो है सरकार इस तरह से साहसिक निर्णय की ओर अगर आगे बढ़ रही है तो निश्चित तौर पर उनके दिमाग में, सरकार के दिमाग में ये बातें होगी कि हमें किस तरह से व्यवस्था करनी है, छत्तीसगढ़ को किस तरीके से आगे लेके जाना है। पहली प्राथमिकता भूपेश बघेल की जो नजर आती है वो यही है कि स्थानीय लोग जो है उनका हक कहीं से भी ना मारा जाए, स्थानीय लोगों को जो है मार के, उनके हकों को मार के, उनके अधिकारों को छीन के विकास नहीं हो सकता है। बिल्कुल, जब तक उसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी नहीं होगी तब तक जो है किसी भी राज्य का विकास नहीं हो सकता नहीं है, तो उसी नीति पे भूपेश बघेल काम कर रहे हैं और इंतजार करना चाहिए कि इसका सकारात्मक परिणाम दिखेगा या फिर कुछ और। जी बहुत शुक्रिया वैभव चर्चा में शामिल होने के लिए, कृष्णा जी आपका भी शुक्रिया और रमेश जी आपका भी शुक्रिया। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार से आप जिस तरह से यहाँ पे हमने देखा है कि किस तरह से जो 2 साल में जो काम भूपेश सरकार के रहे हैं उसको हर कोई सराह रहा है और आगे इसके किस तरह से रिजल्ट होते हैं ये भी हमें आने वाले समय में पता चल जाएगा। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।